हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप देख रहे ममता इन्फॉर्मेशन, मैं हूँ ममता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी स्किन बहुत डल हो रखी है, मेरे फेशियल हेयर हो रखे थे जो इसमें शो नहीं हो रहे, तो उसके लिए मैंने एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मार्क्स बनाया, होम मेड चारकोल पील ऑफ मार्क्स बनाया। उसके लिए मैंने लिया था 1.5 टी स्पून चारकोल, एक्टिवेट चारकोल पाउडर और एवरीविद का पील ऑफ मार्क्स जो मार्केट में आपको ईजिली मिल जाता है। एक पैकेट मैंने पील ऑफ मार्क्स लिया था और 1.5 यानी कि 1.5 टी स्पून मैंने एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर ऐड किया था। टेबल स्पून नहीं है, टी स्पून मतलब छोटा स्पून से मैंने इसको ऐड किया और अच्छे से बस दोनों को मिक्स कर लिया था। बस इनफ दो इंग्रेडिएंट से मैंने ये बनाया था और कुछ मैंने ऐड नहीं किया था। और इसकी आपको थिक लेयर लगा लेनी है आज, क्योंकि थिक लेयर लगी रहेगी तभी निकालने में आसानी होती है, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो इसकी मैंने एक थिक लेयर लगा ली है। गाइस, मार्केट में तो एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मार्क्स मिलता है, बट वो चाइनीज भाषा में रहता है। क्या उन्होंने इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं करते हैं, चाइनीज भाषा में करते, जो हम लोग को समझ में नहीं आता उन्होंने इसमें क्या ऐड किया है। तो उससे मुझे काफ़ी हद तक ये पता अच्छा रहता है कि होम मेड, क्योंकि उसमें हमें पता रहता है हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है और ये हमारी स्किन को कैसे वर्क करेगा। तो एक्टिवेटेड चारकोल का तो आपको पता है, हमारी स्किन की जितनी भी डस्ट रहती है उसको निकालने में काफ़ी अच्छा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट निकालने में बहुत अच्छा होता है हमारा चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर की जितने भी गुणवत्ता उतने कम होते हैं, बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। और इसमें जब मैंने पील अप मास्क डाला ऐड किया है जो एवरीविद का है, वो भी अच्छा वर्क करता है, बट इसमें जब हम लोग चारकोल ऐड करें चारकोल का पाउडर, तो ये 100% वर्क वाला इंग्रेडिएंट बन जाता है। तो इसकी मैंने थिक लेयर लगा ली थी और मुझे 10 से 5 मिनट लगा था निकालने में, थोड़ी सी मुश्किल होती है, बस गाइड रिजल्ट उसका होता है काफ़ी अच्छा होता है, होममेड मार्केट से काफ़ी अच्छा होता है। और जितने भी मेरे ब्लैक एंड व्हाइट थे पूरे निकल गए थे, मेरे फेशियल हेयर अच्छे से पूरे निकल गए थे, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा लाइट हो गई थी और फेशियल हेयर निकलने की वजह से मेरी स्किन काफ़ी स्मूथ, लाइट और डननेस पूरी दूर हो चुकी थी। तो ये था मेरा फाइनल रिजल्ट गाइस, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये रिजल्ट देखकर, मुझे बहुत पसंद आया ये। इसके बाद की ये पिक है जो मैंने लगाई है। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।